माफ कीजिएगा सर, मुझे बहुत भूख लगी थी। आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप कुछ पैसे मुझे दे पाए तो। ये खाओगे तुम? पैसा नहीं तो कुछ नहीं। क्या हुआ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? खा लो इसे, अगर इतनी भूख लग रही है तो। अच्छा अच्छा, जरा सुनो, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं इसे खाने के लिए तो? $50? चलो खा लो, शर्माओ मत। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, $100। सोच लो। अरे खा लो यार, $100 मिलेंगे, तुम्हें खाना है एक ही पीस। आ जाओ। हाँ शाबाश। यार बहुत अजीब हो तुम। ये लो तुम्हारे $100, मुझे करो। पूरे दिन मौज करना। hey, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डैड ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहता था तुम वैसे नहीं बने। क्यों, क्या किया है मैंने? क्या किया है? हाँ? मेरे पैसे एक बेघर आदमी को देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ो भी डैड, आपको उसका चेहरा देखना था, बहुत हंसी आ रही थी। हंसी आ रही? हाँ? थी? मेरे पैसे किसी बेघर पर लुटाकर मजा आता है तुम्हें? जाओ मेरे पैसे वापस लेकर आओ वरना तुम्हें सीधा कर दूंगा। क्या डैड, मैं कुछ वापस नहीं लेकर आने वाला। ऐसा करना पागलपन है। तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था इस बारे में। जाओ, मैंने कहा जाओ। तो सर मुझे आपको कितने पैसे देने हैं? $45 मैम। श्योर, ये हुए 20 और आई एम सॉरी, मैं और पे नहीं कर सकती। सुनो बेटा, मैं जानती हूँ आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन हम आज यहाँ लंच नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कुछ और जरूर करेंगी, ठीक है? मैम, मैंने आपकी बात सुनी और मुझे पता चला कि आप पैसे नहीं दे सकती लंच के लिए, आप ये ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपको भी भूख लगी होगी। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, इसकी ज्यादा जरूरत आपको और आपकी बेटी को है। ये लीजिए। नहीं, ये रख लीजिए प्लीज, आप रख लीजिए, प्लीज ले लीजिए। I'm sorry. Thank you so much. Thanks. सुनिए सर, अच्छा कीजिए और आपके साथ भी अच्छा ही होगा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। अच्छा तो यहाँ हो, हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। आपको क्या चाहिए मुझसे? मेरे पैसे वापस कर दो। अरे कौन से पैसे? जो तुमने मेरे बेटे से चुराए हैं। ओह, मैंने इससे पैसे चुराए नहीं थे, इसने मुझे दिए। hey, मेरी बात सुन, मैं यहाँ बेकार में नहीं खड़ा हूँ, मेरे पैसे लौटा दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पास नहीं, मैंने एक और गरीब परिवार को दे दिए। जानते हैं मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ? मजाक लग रहा है ये सब? नहीं, मैं बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ गलत मत करिए मेरे साथ। तो फिर मेरे पैसे वापस कर दे, दिक्कत क्या है? हाँ हाँ हाँ, मैं जरूर आपके पैसे लौटा दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। परेशान कर दिया है, तेरे पास एक घंटा है। एक घंटे में कहाँ से लाऊंगा? किसी को लूट ले, किडनी बेच दे, मुझे परवाह नहीं है। पैसों के साथ यहीं मिलना एक घंटे बाद, वरना तुझे रस्सी से बांध कर 16 फुट गहरे गड्ढे में फेंक दूंगा, समझ गया ना तू? जी सर। हमारी बात समझ गए ना? हाँ, यही ठीक रहेगा। अब चलो बेटा। मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ सर? माफ कीजिए, मैं कस्टमर नहीं हूँ, मुझे दरअसल काम की जरूरत है। मुझे कुछ भी काम दीजिए मैं करूंगा, मैं टॉयलेट भी क्लीन कर सकता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। एक मिनट रुकिए रुकिए, मैंने देखा आपने उनकी किस तरह मदद की, आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं जरूर आपको नौकरी दूंगा। बताइए कितनी सैलरी चाहिए? पूरे $100 चाहिए। ठीक है,
देखिए वहां बॉक्सेस हैं, उन सबको उतार दीजिए और मैं आपको दूंगा इसके $100। क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, क्योंकि अक्सर लोग हमें अंदर घुसने नहीं देते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका बहुत बहुत एहसान है मेरे ऊपर। बहुत बहुत कोई बात नहीं, आप काम शुरू कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या है, पागल समझा है क्या? ये बिल्कुल उतने ही पैसे हैं जितने आपके बेटे ने मुझे दिए थे। क्या तू सच में इतना बेवकूफ है? हाँ? हमने जो इंतजार किया उसके पैसे कौन देगा? टाइम का पैसा लगता है, मुझे चाहिए 200। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे। अरे मैंने जितने कमाए आपको दे दिए सारे। तो बस इतने ही है तुम्हारे पास? बस इतने ही कमाए हैं मैंने। ठीक है ठीक है, रुको रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। मैं पिछले एक हफ्ते से काम कर रहा हूँ। पकड़ो इसे। हे सर सुनिए, यहाँ पर एक चोर है, जरा यहाँ आइए। यहीं रुकना। क्या हो रहा है यहाँ? सर इस आदमी ने हमारे $200 चुरा लिए हैं। ये झूठ है, झूठ है ये। क्या इसके हाथों में देखिए, ये हमारे पैसे हैं सर, और बाकी के ये खर्च कर चुका है। हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा था। नहीं ये मेरे पैसे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कमाए हैं। जैसे गंदे इंसान को कौन काम देगा, इसके साथ तो कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है चुप हो जाइए प्लीज। सर आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा मेरे साथ। नहीं रुको, मैंने जिंदगी में कभी कोई चोरी नहीं की है। इन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसने मेरे पैसे चुराए हैं। मैं नहीं मान सकता, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे। आज सुबह ही मैंने इन्हें देखा एक महिला की मदद करते हुए, उन्हें पैसे देते हुए। क्या बकवास है ये? तो फिर इसके पास ये पैसे कहां से आ गए? वो पैसे मैंने दिए हैं उसकी मेहनत के लिए। हमारे कैफे में कैमराज लगे हैं, आप आकर खुद ही देख लीजिए। एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे इस इंसान को फंसा कर? नहीं नहीं देखिए मैं कसम खाता हूँ ये चोर है। नहीं अच्छा जो तुम कह रहे हो उसका कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? ये बेघर है यही सबूत है। ठीक है अच्छा प्लीज अपना नेम और सरनेम बताइए। वो किस लिए? जो आपने अभी किया वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस है, तो जो कहता हूँ वो कीजिए प्लीज। रिचर्ड साउंडर्स। अच्छा और तुम्हारा? माइक साउंडर्स। ये देखिए ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, टैक्स की चोरी, जुर्माना न भरना, कानून तोड़ना। सर इन्हें नहीं बल्कि आपको और आपके बेटे को हमारे साथ चलना होगा। रुक जाओ। रुकिए क्या कर रहे हैं आप? ये डैड है, छोड़िए। हे रुको, गलत क्या कर रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया है। अगर अपना भला चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। सर मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, मुझे इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, माफ करिए। नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है, कोई बात नहीं। क्यों क्यों माफी मांग रहे हो? ये गंदा बेघर इंसान। बहुत हुआ, तुम सिर्फ कपड़े देखकर इनके बारे में अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन कोई कैसा है ये उसके कामों से जानना चाहिए। जॉन नेक दिल इंसान है, ये वो सब देने को तैयार होगा जो इनके पास था ताकि दूसरे भूखे न रहे। और तुम दोनों ये सोचते हो कि तुम दूसरों से बेहतर हो, जबकि तुमने इतने सारे ऑफेंसेस किए हुए हैं। तुम्हें दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, पता है तुम्हें? और सर मैं आपको अपने कैफे में नौकरी देना चाहूंगा। क्या नौकरी? हाँ मैं मन लगा के काम करूंगा। शुक्रिया, मुझे खुशी होगी आप जैसे अच्छे इंसान को काम देकर। और असलियत में तुम्हें अपनी पुरानी दोस्त को शुक्रिया कहना चाहिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। क्या मेरी पुरानी दोस्त? इस बच्ची ने मुझे बताया था। अच्छा कीजिए और आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी।